ट्रेन नंबर 02922 फ्लाइंग रानी स्पेशल ट्रेन में आज हम करने वाले हैं जर्नी। और आज मेरे साथ है रोहित विश्वकर्मा और आज हम लोग जाने वाले हैं मुंबई सेंट्रल। बात करें इस ट्रेन की टाइमिंग की तो ये ट्रेन सूरत से सुबह 5:05 पे डिपार्च करती है और आपको 4:40 कवर करने के बाद मुंबई सेंट्रल पे सुबह 10:30 पे पहुंचाती है। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 263 किलोमीटर विद इन 4 hours 40 minutes। और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं D8 और आज हमारी कोच है ये अपर और ये लोअर। सो दिस इज 5:56 और हमारी ट्रेन जस्ट अभी डिपार्च हुई है सूरत रेलवे स्टेशन से और एक और नई जर्नी आपके लिए दिखाता हूँ आपको डिपार्चर। नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है उधना जंक्शन जो कि सूरत से 4 किलोमीटर पर पड़ती है। मिलते तब तक नेक्स्ट स्टॉप पे। फोर किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम आ चुके हैं फॉल्ट हॉल्ट उधना जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है UDN और यहाँ पर इस ट्रेन का मात्र 1 मिनट का हॉल्ट है। 1 मिनट का हॉल्ट था इसलिए ज़्यादा रुक नहीं सकते। सो वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम उधना जंक्शन और हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है वो है सचिन और उसके बाद आएगा मरोली। सो मुझे लग रही है ठंड और मैं जा रहा हूँ अभी सोने। हमारी सीट थी लोअर साइड में नीचे साइड फ्लाइंग रानी में डबल डेकर कोच है और हम बैठे अभी मिडिल में। वेरी गुड मॉर्निंग टू गाइज और अभी हो रहा है 7:07 और हम आ चुके हैं वापी जंक्शन जिसका स्टेशन को VAPI और यहाँ पर इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ पर आने का टाइम था 7:06 और हम आए हैं 7:12 यानी हम लेट हुए हैं 5 मिनट। और अभी तक की जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो अभी तक की ठीक थी। ठंड है जिसकी वजह से मैं सो गया था और जब नींद खुली तो सामने वापी स्टेशन था। बात करें वापी स्टेशन की तो यहाँ पर काफ़ी रश था और सूरत से चलने के बाद यही एक स्टेशन है जहाँ पे मुझे रश देखने को मिला और अभी सब लोग बैठ चुके हैं एंड एज ऑफ नाउ हम लोग निकलने वाले हैं।
फाइनली वी आर डिपार्चिंग फ्रॉम वापी, अवर नेक्स्ट स्टेशन इज दानू रोड, उसके बाद आएगा पालघर, उसके बाद आएगा बोरीवली जो कि मैं स्किप करने वाला हूँ और आपसे सीधे मुलाकात होगी अंधेरी स्टेशन पर। Yeah. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. तो अब हमारी फ्लाइंग यानी आ चुकी है अंधेरी जंक्शन में, और बात करें अंधेरी जंक्शन की तो इसका स्टेशन कोड है ADH और यहाँ पर हमारा एक मिनट का हॉल्ट है। सो पब्लिक, वी आर डिपार्चिंग फ्रॉम अंधेरी, अवर नेक्स्ट स्टेशन इज अवर फाइनल डेस्टिनेशन मुंबई सेंट्रल। सो फार सो ग्रेट। के 53 मिनट पे हम मुंबई सेंट्रल आ गए, और इस ट्रेन की बात करें जर्नी एक्सपीरियंस की तो काफ़ी अच्छी रही। थोड़ी ठंड थी सूरत साइड, लेकिन जब जैसे जैसे दिन उगता गया वैसे वैसे ठंडी कम होती गई। और बात करें कोच कंपोजिशन और टिकट फेयर की, तो इसमें सेकंड सीटिंग और चेयर कार के 4 कोच है और सेकंड सीटिंग के लगभग 8 से 9 कोच है, और मुझे इसका टिकट फेयर पड़ा 130 रुपीज़। तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ बाहर। यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कीजिएगा। ऐसे ही मैं जर्नी लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।